सुप्रभात विद्यार्थियों, षष्ठ पाठ है, छठा पाठ हमारा चल रहा था। कुछ गद्यांश हमने पढ़ लिए थे और गद्यांश में अंतिम वाक्य हमने पढ़ा था कि राजा ने महल की सभी वस्तुओं को स्पर्श करके उनको सोने की बना ली। अब देखिए उससे आगे क्या होता है। तदंतरम सह पिपाशाम बुभुक्षाम च अनुभवत। तदंतरम उसके बाद सह उसने अर्थात राजा ने पिपासाम प्यास बुभुक्षाम चे और भूख अनुभव की। उसके बाद उसने प्यास और भूख अनुभव की। सह सेवकम आदिशत। सह उसने सेवकम सेवक को आदिशत आदेश दिया। उसने सेवक को आदेश दिया शीघ्रम मम कृते भोजनस्य व्यवस्थां कुरु। शीघ्रम शीघ्र अर्थात जल्दी मम कृते मेरे लिए भोजनस्य भोजन की व्यवस्थां कुरु व्यवस्था करो। शीघ्र ही मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। सेवक है शीघ्रम एव स्थापयत। सेवक ने शीघ्र ही स्थापित कर दिया। सेवक ने शीघ्र ही स्थापित कर दिया। सुदार्थ नृपः यदा खादितुं फलम अस्पृशत तदा तत् स्वर्णस्य अभवत्। अब देखिए वरदान मिला हुआ था कि जिस वस्तु को भी हाथ लगाएंगे वह सोने की हो जाएगी। सुदार्थ नृपः भूखे राजा ने यदा जब खादितुं खाने के लिए फलम अस्पृशत फल को स्पर्श किया। भूखे राजा ने जब खाने के लिए फल को स्पर्श किया तदा तब तत वह स्वर्णस्य अभवत सोने का हो गया। तब वह सोने का हो गया। तथैव जलम अपि स्वर्णस्य जातम। तथैव वैसे ही जलम अपि जल भी स्वर्णस्य जातम सोने का हो गया। वैसे ही जल भी सोने का हो गया। सहसा क्रीडन्ति नृपस्य पुत्री तत्र समागता। सहसा अचानक क्रीडन्ति खेलती हुई नृपस्य पुत्री राजा की पुत्री तत्र समागता वहां आ गई। अचानक खेलती हुई राजा की पुत्री वहां आ गई। नृपः ताम अस्पृशत। नृपः राजा ने ताम उसको अस्पृशत स्पर्श किया। राजा ने उसको स्पर्श किया। अहो देवगति ही सा अपि स्वर्णस्य संजाता। देखिए अहो अरे देवगति ही भाग्य की लीला सा अपि वह भी स्वर्णस्य संजाता सोने की हो गई। अरे भाग्य की लीला वह भी सोने की हो गई। कौन हो गई सोने की? राजा की पुत्री। क्योंकि उसको तो यही वरदान मिला हुआ था कि जिस भी वस्तु को हाथ लगाएंगे वही सोने की हो जाएगी। तो जैसे ही उसने पुत्री को हाथ लगाया तो पुत्री भी सोने की हो गई। अधुना नृपः सोमदेव क्रंदनम अकरोत्। अधुना अब नृपः राजा सोमदेव है। सोमदेव ने क्रंदनम अकरोत् क्रंदन किया। क्रंदन क्या होता है? रोना। अब राजा सोमदेव ने क्रंदन किया या आप कह सकते हैं कि अब राजा सोमदेव ने रोना प्रारंभ कर दिया। बहु कालात अनंतरम स एवं महात्मा पुनः नृपस्य प्रसादम समागत है। बहु कालात अनंतरम बहु समय के बाद स एवं महात्मा वह ही महात्मा पुनः दोबारा नृपस्य प्रसादम राजा के महल में समागत आया। बहुत समय बाद वह ही महात्मा दोबारा राजा के महल में आया। तम महात्मानं दृष्ट्वा नृपः तस्य चरणयो पतित्वा दत्तं वरं निवारितुं वरं अकथयत्। तम महात्मानं उस महात्मा को दृष्ट्वा देखकर नृपः राजा तस्य चरणयो उसके चरणों में पतित्वा गिरकर दत्तम वरम दिया हुआ वरदान निवारितुम
रोकने के लिए वरम एकत्यत वरदान कहा, अर्थात वरदान मांगा। उस महात्मा को देखकर राजा उसके चरणों में गिरकर दिया हुआ वरदान रोकने के लिए वरदान मांगा, अर्थात उस महात्मा को उसने जो कहा कि जो वरदान आपका दिया हुआ है उस वरदान को आप रोके। देखो यहां भी कुछ शब्द आए हैं, दृष्ट्वा कत्वा प्रत्यय है यहां पर, दृष्ट धातु प्लस कत्वा प्रत्यय, उससे ये रूप बना है दृष्ट्वा। यहां भी देखो वा पतित्वा पत धातु कत्वा प्रत्यय, पत प्लस कत्वा से मिलकर बन गया पतित्वा। तो उस महात्मा को देखकर राजा उसके चरणों में गिरकर दिया हुआ वरदान रोकने के लिए वरदान मांगा। मुनि एवदत, मुनि ने कहा, मुनि का मतलब उस महात्मा ने, मुनि एवदत मुनि ने कहा, अधुना तु त्वम धनवत्तम असी, अधुना तु अब तो त्वम तुम धनवत्तम अस्ति असी धनवान हो, अब तो तुम धनवान हो, किमर्थम रोदिसी किस लिए रो रहे हो, अब तो तुम धनवान हो किमर्थम रोदिसी किस लिए रो रहे हो। नृपः एवदत राजा बोला, नृपः एवदत राजा बोला, अधुना अहम धनम न इच्छामि, अधुना अब अहम मैं धनम न इच्छामि, धन नहीं चाहता हूं, अब मैं धन नहीं चाहता हूं। मुनि अपि दयाम कृत्वा एवं अस्तु कथित्वा निर्गच्छत्। मुनि अपि, मुनि भी दयाम कृत्वा दया करके एवं अस्तु ऐसा ही हो कथित्वा कहकर निर्गच्छत चले गए। मुनि भी दया करके ऐसा ही हो कहकर चले गए। देखो कृत्वा क्री प्लस कत्वा, ये क्री लिखा हुआ है क्री धातु, कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है तो क्री प्लस कत्वा से बन गया कृत्वा। ऐसे ही यहां पर कथित्वा है, कथ धातु कत्वा प्रत्यय, इससे बन गया कथित्वा। तो मुनि भी दया करके ऐसा ही हो कहकर चले गए। नृपः अपि संकल्पम अकरोत् यत् कदापि लोभम न करोमि यतो हि लोभे पापस्य कारणं भवति। नृपः अपि, राजा ने भी संकल्पम अकरोत् संकल्प किया, राजा ने भी संकल्प किया यत कि कदापि कभी भी लोभम न करोमि लोभ नहीं करूंगा, कभी भी लोभ नहीं करूंगा, यतो ही क्योंकि लोभ है, लोभ अर्थात लालच पापस्य कारणं भवति पाप का कारण होता है। राजा ने भी संकल्प किया कि कभी भी लोभ नहीं करूंगा क्योंकि लोभ पाप का कारण होता है। अतः उच्चते, अतः इसलिए उच्चते कहा गया है, इसलिए कहा गया है लोभात क्रोभ प्रभवति, लोभात काम है प्रजायते, लोभात मोह चे नाश चे लोभ पापस्य कारणम। देखिए लोभात क्रोध प्रभवति, लोभ से अर्थात लालच से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभात काम है प्रजायते, और लोभ से कामना उत्पन्न होती है, लोभ है मोह और लोभ से मोह होता है, नाश्यचे और उसी से नाश होता है, लोभ से मोह होता है नाश्यचे और उसी से नाश होता है, उसी से किससे लोभ से, लोभ है पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण होता है। देखिए लोभ से अर्थात लालच से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से कामना उत्पन्न होती है और लोभ से मोह होता है नाशचे और उसी से नाश होता है, लोभे पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण होता है। तो विद्यार्थियों ये था आपका षष्ठ पाठ है, छठा पाठ भावार्थ आपका कंप्लीट है, तो साथ साथ आप इसको कॉपी में करते जाएं, फिर नोटबुक में आपको करना है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके अभ्यास प्रश्न लेंगे। तो आज के लिए इतना ही भावार्थ काफी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद।